यहाँ का जो सरकार प्रशासन जब रगड़ा लगाएगा तो आपके साथ कौन खड़े होगा अपने यहाँ? एक कार्यकर्ता के लिए यहाँ पे लड़ाई हुई, हमारे एक आपने देखा किस नाजायजगी से यहाँ के मौजूदा विधायक ने, किस गुस्से से, किस जज्बे से, किस जहर से उसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पीछा कराया। कौन आया था पार्टी में? पार्टी हम थे। जब गांधी जी के घर में एक हादसा हुआ, हर बेकसूर नौजवान बच्चे को पकड़ के जेल में डाल दिया था। यहां तक कि एक नाबालिग बच्चा जो बाहर जा रहा था पढ़ाई करने के लिए, उसे घर से बिस्तर से उठा के जेल में डाल दिया। लेकिन कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही, निर्मल सिंह उनके साथ खड़े रहे, आप सब खड़े रहे गांधी जी के साथ। चिरंजीवी लाल जी का आप केस आप जानते हैं। एकमात्र सच को, मात्र सच को उन्होंने एक वीडियो बनाकर वायरल करा, झूठी एफआईआर, धमकी, मारपीट का सारा कुछ प्रेशर, और कितना उन्होंने उसके ऊपर दबाव डाला। हम सब उसके लिए उतरे थे, हमारा परिवार है, हम एकजुट हैं। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हमारा कहना है कि हम कांग्रेस थे, कोई हमें बताएगा नहीं कि कौन कांग्रेसी है कौन नहीं है यहाँ, और कांग्रेस ही इकट्ठे थे। मैंने अपनी चिट्ठी में भी सोनिया जी को यही लिखा कि बहुत दुख है कि मैं आज यहाँ से बाहर जा रही हूँ, और शायद मैं कुछ भी आपको कहूं आपको लगेगा ये सही जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन हमारे मन में विश्वास है कि हम ये निजी कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, हम अभी भी कांग्रेस आई के लिए सड़कों पर उतरेंगे। जो फैसला होगा, हमने एक दूसरे की आवाज उठाई, हम उठाते रहेंगे। हमने इलाके की लड़ाई लड़ी, हम उठाते रहेंगे, हम वो लड़ाई भी लड़ते रहेंगे। आज यहाँ पर जो ये इकट्ठ हुआ है, जैसे कि चौधरी साहब कहते थे, ट्रेन जीने का सारे भंगड़ा पाते हैं, हमने होम होवा के लोगों में जाना। जैसे कि कल मेरे भाई पवन भाई पांडा भैया ने कहा, समीकरण ही बदल गए। अब पहली बार यहाँ पर वो होगा जो कभी नहीं हुआ, यहाँ पे दो तरह का चुनाव होता था, अब चुनाव में बहुत तगड़ा विभाजन होगा। हम एकजुट हैं, हम जीत जाएंगे। अब हमें वो वोट भी पड़ेगी जो भाजपा से दुखी थी, अनिल विज से दुखी थी, लेकिन शायद कांग्रेस के बटन पे नहीं दबा पाती थी, हमें वो वोट भी अब पड़ेगा। सोनिया जी से भी जब हमने नमस्ते करी तो मैंने उन्हें आज ये कहा कि मैं, मेरा मेरा दिल भारी होगा पर मेरा सर नहीं झुका, और हम ऐसे ही जाएंगे और हम अपने दिल में कांग्रेस लेके जाएंगे। जो आज से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, ये बहुत जरूरी है कि छोटा सा समय रह गया है, घर घर सिंबल पहुंचाना है, घर घर आपने पहुंचना है, जहां जैसे प्रोग्राम होंगे जितने होंगे हम जल्दी निपटेंगे। जब भी मैं किसी कार्यक्रम में आऊंगी तो स्पीचेस हमें बंद करनी पड़ेगी, मैं आऊंगी बोलूंगी मैं आगे चलूंगी, आपने संभालना है, बूथ स्तर का जो है काम आपने संभालना है। हमें बहुत सारी चीजें अब एकदम से स्टार्ट करनी पड़ेगी, सिंबल भी हमें साथ को मिलेगा, हाथ में झंडे आते हुए समय लगेगा, हमें हर चीज में अपनी बात करनी है, हमें अपनी बात करनी है, मेरी बात करनी है, हमें सब चीज के अंदर बात करनी है। जो आज हम यहाँ से चलेंगे, कार्यालय की हमें कमेटी बनाएंगे, कार्यालय को कौन देखेंगे, कैंपेन की कमेटी बनाएंगे कि प्रोग्राम और कैंपेनिंग कौन देखेंगे, जितने भी मेरे भाई और जितनी भी मेरी माताएं हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप सब वक्ता बनोगे कांग्रेस के। आज किसी एक को कहने की जरूरत नहीं, आप जहां हो वहीं पे मोर्चा संभाल लो, वहीं पे वोट पकड़ लो, अब आपने जाने नहीं देना सामने से किसी को। आज हम मंदिर में भी गए तो आंटियों ने आज 20-50 वोट तो वहां ही पक्की कर डाली। आज मैं बहुत खुश हूँ, सारी मातृशक्ति आई है यहाँ पे, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता और हमारी कांग्रेस की नेत्रियां हैं। मैं खुश हूँ आज यहाँ पे मेरे साथ मेरी दोस्त भी आई हुई है, जो मेरे साथ इन 5 सालों में कहीं मिली, उन्होंने काम किया, उन्होंने कभी राजनीति नहीं देखी, लेकिन आज हम साथ दीदी जरूर करेंगे। मैं थैंकफुल हूँ मेरे परिवार की, और शायद मैं कहूँ आज मेरे परिवार का जो शब्द है वो सारा चौड़ा हो जाता है, और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ अंजलि बंसल जी आज यहाँ पर। देवेंद्र जी यहाँ पे नहीं है, लेकिन देवेंद्र जी के जाने के बाद उनको याद हमेशा करते हैं, उनके काम करने का तरीका, उनके काम करने की शैली, उनकी टीम, उनका जज्बा। मैं आशा करती हूँ आपके आशीर्वाद के साथ हमारा परिवार उनके साथ भी है। आज उनकी बेटी आई है, मैं तो प्यार से नाम तुम जानती हूँ, तो पूजा भी यहाँ पे, पूजा बहुत अच्छा बोलती है, और मैंने पूजा से कहा इस चुनाव में तुमने मेरे साथ नहीं चलना, तुमने चल पड़ना। अब हम सब आवाज हैं, हम सब एक हैं, और आज आप यहाँ आए
अंजलि जी ने, मैंने सुबह फोन किया, मैंने कहा अंजलि जी मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ हूँ। इन्होंने कहा मैं आ रही हूँ और मैं पहुंचूंगी। और मैंने सोचा कितनी देर मेरे पंचकूला से, आधे घंटे में मेरा माथा टेकने से पहले अंजलि जी साथ आ चुके हैं। आज आप यहाँ आए, आज सारी मेरी फ्रेंड्स, मेरी कुलीग, मेरी आंटी, मेरे सारे बड़े यहाँ पे हैं। हमने चुनाव एक परिवार, हम परिवार है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम बहुत बढ़िया से चुनाव लड़ेंगे, बहुत से समीकरण बदल रहे हैं। जो लोग जो थे, जो भाजपा से दुखी थे और जो कहीं नहीं जा सकते थे, कहीं ना कहीं